हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इनसाइट मेकअप एसेंशियल्स का ये हाइलाइटर, इसका रिव्यू। ये सिर्फ 99 रुपीस का है। एंड क्या ये काम करता है, क्या ये अच्छा है, 99 रुपीस के हिसाब से ये कितना अच्छा है, सब कुछ मैं डिटेल्स में शेयर करूंगी, वो भी सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट क्रिस्प रिव्यू। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसे परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। आई हैव पर्सनली परचेज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon एंड फिर मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो लुक एट द पैकेजिंग, बेसिक सिंपल मिनिमल पैकेजिंग है। प्लास्टिक इस तरह के एक टब पैकेजिंग में आता है एंड द हाइलाइटर क्वांटिटी इज क्वाइट इनफ फॉर 99 रुपीज। 99 रुपीज में आजकल एक लिपस्टिक भी नहीं आता, अगर ब्रांडेड कंपनी की बात करूं तो। उसमें आपको एक इतना अच्छा हाइलाइटर मिल रहा है, वो भी इतने अच्छे पैकेजिंग में, डिसेंट पैकेजिंग में। इसका जो मेरा शेड है वो है 06 कॉस्मिक पावर। मैंने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस चेक किए थे एंड मुझे ये वाला शेड अच्छा लगा क्योंकि ये ना पिंकिश टोन में हाइलाइटर है। मुझे गोल्डन टोन से ज्यादा पिंकिश हाइलाइटर अच्छे लगते हैं बिकॉज इट वर्क्स एज अ ब्लश एज वेल। सो इसका जो पिगमेंटेशन है, इसका जो क्वालिटी है, वो काफी अच्छी है। इसमें कोई चंकी एज सच ग्लिटर्स नहीं है। टू माय सरप्राइज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें चंकी ग्लिटर्स तो होंगे, सिर्फ 99 रुपीस का है, बट नो, नॉट एट ऑल। ये एकदम मेल्ट हो जाता है आपके स्किन में। बट एक हैक मैं बताऊंगी, इसे जब आप अप्लाई करोगे ना अपने फेस पर, पाउडर वगैरह सब कुछ अप्लाई किया है उसके बाद, ये थोड़ा सा क्रीमी सॉर्ट ऑफ है, तो अगर आप इसके अपने फाउंडेशन के नीचे अप्लाई कर रहे हैं देन कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ओवर फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, आप जब इसे अप्लाई करोगे उस टाइम थोड़ा ऐसे आपको अलग से ये दिख सकता है। उसके बाद आपको इसे एज ए सेटिंग स्प्रे, कोई भी सेटिंग स्प्रे या टोनर या फेस मिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप फेस मिस्ट को इस्तेमाल करोगे तब ये पूरा एकदम मेल्ट हो जाता है आपकी स्किन में, एकदम सेटल हो जाता है एंड स्किन ऐसा लगता है कि योर स्किन इज ओनली ग्लोइंग नेचुरली। सो दिस इज अ वेरी गुड हाइलाइटर। बट हाँ, ये लिक्विड हाइलाइटर तो नहीं है, इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स है, चंकी भी नहीं, एकदम फाइन ग्लिटर पार्टिकल्स है। सो अगर आप धूप में निकलेंगे तो वो पार्टिकल्स शो अप कर सकते हैं। सो दिस इज अ पार्टी वेयर, नाइट टाइम के लिए ये हाइलाइटर है। बट डेफिनेटली अगर आप फाउंडेशन के नीचे से अप्लाई करते हैं देन थोड़ा सा इसका जो चंकीनेस है, इसमें जो फाइन पार्टिकल्स है वो ज्यादा विजिबल नहीं होगा। सो अगर आप डे टाइम में इसे कैरी करना चाहते हैं तो अपने फाउंडेशन के नीचे इसे वेयर कीजिए, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई कीजिए या मेकअप कीजिए। और अगर आप इसे नाइट टाइम एज अ पार्टी हाइलाइटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय।